कलर्स टीवी के सीरियल उड़ारिया में एक साइड एक्टर का किरदार निभाने वाले अभिषेक कुमार हीरो बनकर बिग बॉस 17 के घर से बाहर आ गए हैं। भले ही अभिषेक ने बिग बॉस की ट्रॉफी ना जीती हो, लेकिन लोगों ने उन्हें खूब प्यार दिया। मीडिया से खास बातचीत में अभिषेक कुमार ने अपने स्ट्रगल के बारे में बात की है। अभिषेक कुमार ने बताया कि किस तरह से बतौर एक्स्ट्रा यानी कि जूनियर आर्टिस्ट उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था। वहां से सलमान खान के शो में शामिल होने का सफर अभिषेक कुमार के लिए किसी सपने से कम नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहां तक पहुंच पाया, लेकिन मैं पहले दिन से ही जीतने के लिए खेल रहा था। मैंने खुद को ये कहा था कि मैं ही विनर हूं और इस विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ा और शायद इसलिए मैं यहां तक पहुंच पाया। मैं एक न्यू कमर हूं और शो में कई दिग्गज एक्टर थे, मेरी टक्कर उनसे थी। मेरा जो खुद पर विश्वास था वो ही मुझे यहां तक लेकर आया। मैं कभी नहीं चाहता था कि तहलका भाई शो से बाहर जाएं। मैं चाहता था कि सिर्फ उनकी हरकतों को लेकर बात हो, लेकिन सिर्फ मेरी वजह से ही उन्हें जो है उनकी और 9 गलतियां भी थी, जी हाँ, जिनकी वजह से वो बाहर गए। समर्थ को मैंने जो थप्पड़ मारा वो भी मैं नहीं चाहता था कि उन्हें वो थप्पड़ लगे, वो मेरे उनके एक्शन पर रिएक्शन था। उन्होंने मेरे मुंह में टिश्यू पेपर डाल दिया था और इसलिए मेरा हाथ उठ गया। अब मैंने उनसे माफी भी मांग ली है और उनसे भी मुझे माफ कर दिया है। मैं अभी समर्थ से मिला और उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत वोट्स किए हैं, मुझे अच्छा लगा उसने मुझे माफ कर दिया। मैं खानजादी से बाहर मिलना चाहता हूँ, प्यार या डेटिंग नहीं, लेकिन मैं उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो खुद मुझसे मिलना चाहती है या नहीं, पर मेरी तरफ से मैं उनसे दोस्ती करना चाहूंगा। लोग मुझे बोलते हैं कि मैं रोने की एक्टिंग करता हूँ, लेकिन फिनाले में जिन्होंने मेरे पापा को देखा होगा वो समझ गए होंगे कि हम बहुत भावुक हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर मैं बहुत रो देता हूँ। वो इस सफर में खुश है। मैं एक जूनियर आर्टिस्ट था, पंजाब में मैंने 400 गाने क्राउड में किए हैं, वहां से मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। पंजाब का नाम मैंने रोशन कर दिया। मेरे माता पिता के लिए ये गर्व की बात है, उनके लिए मेरी ये सफलता बहुत ज्यादा मायने रखती है। मैं भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ और मेरा परिवार मुझसे भी ज्यादा भगवान को मानता है। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। माँ ने जब ये चुनरी दी तब तो मैंने सोच लिया था कि आगे सिर्फ जीत ही जीत होगी। बिग बॉस के मंच पर सलमान सर तक पहुंचना भी मेरे लिए जीत है। जब मेरी माँ घर में आई थी तब उन्होंने बताया था कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हमें शुरुआत में लगा था कि 1 तारीख को होगी, तब मैंने सोच लिया था कि जब बाहर आएंगे तो तब सेलिब्रेशन करेंगे। बहुत खुश था मैं उस दिन, और वैसे भी जय श्री राम मैं बोलता रहता हूँ। आपकी वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रही इंडिया न्यूज के साथ।